झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन के अंदर भाजपा के विधायकों ने जमकर बवाल काटा, साथ ही बाहर मीडिया के सामने मांगों को लेकर पीली रंग की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायक पोटली में तख्तियों के साथ नजर आए, जिसमें लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बाबूलाल से डरी हेमंत सरकार जैसे स्लोगन लिखे थे। पोटियों में भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की। इस दौरान बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि संवैधानिक तरीके से जेवीएम का बीजेपी में विलय हुआ है और बाबूलाल को पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना है, ऐसे में सदन में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए और अगर बीजेपी की ये मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के पहले दिन भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। नारेबाजी करते हुए विधायक वेल में आ गए थे। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष के मामले पर कानूनी राय मशवरा किए जाने की बात कही थी। आप देखते रहिए लोकल खबर।